सब्सक्राइब कीजिए एके टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका मेरे चैनल एके टेक्निकल में। दोस्तों आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों फोन पे के नए स्क्रैच कार्ड फीचर के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आप अपने फ्रेंड को UPI के थ्रू पेमेंट करके एक स्क्रैच कार्ड पा सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप DTH का रिचार्ज करवा के अपने फोन पे में स्क्रैच कार्ड पा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन पे से DTH का रिचार्ज करके कैशबैक और स्क्रैच कार्ड पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में फ़ोन पे ऐप खोल लेना है। तो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन पे ऐप खोल लिया है। दोस्तों जैसे ही आप फ़ोन पे ऐप खोलेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों आपको यहाँ पे DTH पे क्लिक कर देना है। तो DTH पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स आ जाएंगे, पर अभी आपको यहाँ पे कोई सा भी ऑपरेटर सेलेक्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑफ़र दिया गया होगा, गेट अ स्क्रैच कार्ड एंड विन अप टू 1000 कैशबैक। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दिखाई जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको मिनिमम 100 रुपये का रिचार्ज करना होगा और आपको जो स्क्रैच कार्ड मिलेगा वो आपको अप टू 1000 रुपीज़ का स्क्रैच कार्ड मिल सकता है। और आपको जो ये दोस्तों यहाँ पे पूरी कंडीशन पढ़ लेनी है। आपको ये जो ऑफ़र है वैलिड है 1 दिसंबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक, और उसके बाद दोस्तों आपने रिचार्ज नाउ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही रिचार्ज नाउ पे क्लिक करेंगे आपको फिर से ऑपरेटर्स दिखाई आएंगे, तो आपने यहाँ पे कोई सा भी जो आपका ऑपरेटर है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे अपना ऑपरेटर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही आप दोस्तों ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये बोलेगा कि आपको अमाउंट डालने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे अमाउंट डाल देना है जितने का भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ। अमाउंट डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पे बिल पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे बिल पे क्लिक कर देता हूँ। पे बिल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने का बोलेगा, तो आपने यहाँ पे अपना पिन डाल देना है। दोस्तों मैंने अपना पिन डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि मेरा जो रिचार्ज है दोस्तों अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे ये सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों मेरे को यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो रिचार्ज है वो दोस्तों सक्सेसफुल हो चुका है और साथ में मेरे को यहाँ पे एक रिवार्ड भी मिल चुका है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं यू हैव वन है रिवार्ड, तो आपने यहाँ पे टैप कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे टैप कर देंगे आपको जो स्क्रैच कार्ड है दोस्तों यहाँ पे मिल गया होगा और आपने जो है उसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको जो है एक स्क्रैच कार्ड मिल चुका है और अब हम इसको स्क्रैच करके देखते हैं कि कितना अमाउंट हमको इसमें निकलता है। तो चलिए दोस्तों इसको स्क्रैच करते हैं। दोस्तों इस स्क्रैच कार्ड में हमको कुछ भी नहीं मिला है, 0 अकाउंट मिला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्क्रैच कार्ड तो मिला पर उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो आप ट्राई करके देख लें, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर बार मिलता ही है, किसी कूपन में आपको 0 भी मिल सकता है और किसी कूपन में 1000 और 20-25 भी मिल सकता है। दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।